हाय फ्रेंड, नमस्कार। आज हम मेथी दाने की खट्टी मीठी सब्जी बना रहे हैं। इसके लिए हमने आधा कटोरी मेथी दाना लिया है सूखा। मेथी दाना को हम 2 घंटे पहले पानी में भिजा देंगे। 2 घंटे के बाद हम एक बर्तन में गरम करेंगे। गरम हल्का सा उबाल लेंगे, उसमें थोड़ी सी हल्दी दे के उबालेंगे और फिर छान लिए। ये हमने छान के रखा है। अब हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। 2 चम्मच तेल डालेंगे हम इसमें। जब हमारा तेल गरम का छौंकर ले दिए, 5 फोड़न, 1/4 हींग, 1/4 हींग, 1 मिर्चा के 2 टुकड़े करके ले लिए और थोड़ी सी अदरक। ये देने के बाद हम अपना मेथी दाने को दे देंगे। राजस्थान की खट्टी मीठी सब्जी राजस्थान में बहुत बनती है, भाई बहुत ही पसंद, लोग बहुत ही पसंद करते हैं। अब हम इसमें, हमने जब कैरी का मौसम है तो हम इसमें कच्चा आम दे सकते हैं। ये हमने एक छोटी कैरी दे रखी, छोटी कैरी कद्दूकस करके रखा है, ये भी हम डाल देंगे जिससे गल जाएगी। अभी डाल देंगे, गैस को कम कर देंगे। इसमें हम 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, धनिया पाउडर 2 चम्मच, क्योंकि इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी लगती है। हम कैरी कच्चा आम दिए इसलिए हम अमचूर पाउडर नहीं देंगे, और नहीं तो हम इसमें अमचूर पाउडर दे सकते हैं। थोड़ा चलाएंगे, मसाला सिक जाएगा। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। मेरी रेसिपी बहुत इजी होती है। हमने किशमिश के दाने, तो हम इनको भिजा के रखे, थोड़े से किशमिश के दाने। ये बहुत ही खट्टे मीठे बहुत टेस्टी लगते हैं। इसमें 1/2 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल दिया। ज्यादा रंगदार चाहिए तो हम तेल मिर्च ज्यादा देंगे। मैंने नॉर्मल बनाई है। हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। थोड़ी सी शुगर दें, चीनी देंगे। इसमें 2 चम्मच चीनी देंगे। किशमिश से इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। हमारी सब्जी रेडी है, क्योंकि हमने इसे उबाल लिया है। ये हमारी मेथी दाने की खट्टी मीठी सब्जी रेडी हो गई। अब हम इसको एक बोल में डाल लिए। थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे, ये बहुत ही स्वाद होती है। इसको हम 1 हफ्ता फ्रिज में रख सकते हैं, और ये बहुत ही टेस्टी है। अभी तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो बनाइए। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। थैंक यू।